नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का दिल्ली न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। बिहार के मुख्यमंत्री और हाल ही में एनडीए से ब्रेकअप करने वाले नीतीश कुमार इन दिनों पीएम पद का सपना पा रहे हैं। यही नहीं, इसके लिए वो निकल पड़े हैं विपक्ष को इकट्ठा करने। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी और कई लेफ्ट नेताओं से मुलाकात की। नीतीश कुमार का कहना है कि विपक्षी दल मिल जाएंगे तो भाजपा को 50 सीटों पर ही रोक लेंगे। अब नीतीश कुमार के इस बयान पर भाजपा नेत्री और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भड़क गई हैं। उन्होंने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, जिस पर लोगों को प्रतिक्रिया देने का मौका मिल गया है। एनडीए का साथ छोड़ महागठबंधन का हाथ थामने वाले नीतीश कुमार अब बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। मणिपुर में जेडीयू विधायकों के बीजेपी में चले जाने पर उन्होंने कहा कि यदि सभी विपक्षी दल मिल जाएंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 50 सीटों पर ही समेट दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों को एक करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी तंज कसते हुए कहा कि इनसे सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। नीतीश कुमार द्वारा दिए गए बयान पर अपर्णा यादव ने ट्वीट किया, कितनी शर्मनाक बात है बिहार के मुख्यमंत्री की। देश से सच्चा प्यार करने वाले सभी भाई बहन, जात पात एवं सभी धर्म के अनुयायी एकजुट होकर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक एवं सामरिक महाशक्ति बना सकते हैं। क्षुद्र मानसिकता वाले विवेकहीन व्यक्ति को हम लोगों को मिलकर जवाब देना होगा। अब अपर्णा यादव के इस बयान पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। सिंह विवेक नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, तो आप बताओ आपको क्या जवाब दिया जाए। पैसे और पद के लिए परिवार से दगा करने वाले देश प्रेम की बात करने से ढोंगी ही लगते हैं। तो वहीं केएनडी नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, नीतीश जी की ईमानदारी सारी दुनिया जान चुकी है कि ये थाली के बैंगन है, कब किस तरफ लुढ़क जाए पता नहीं। ये आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता और सभी पॉलिटिकल पार्टी जान चुकी है कि ये केवल कुर्सी के पीछे नाचते हैं। खबर में इतना ही। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कुछ बताना चाहते हैं हमें इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।